नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, IT करने के बाद में बहुत सारे बच्चों का सपना होता है भारतीय सेना को ज्वाइन करने का। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज यानी कि MES एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सिलेक्शन लेकर के आप भारतीय सेना के लिए काम कर सकते हो। भारतीय सेना को आप अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरीज और फैसिलिटीज भी आपको मिलने वाली है। भारत सरकार के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें या फिर भारत सरकार के डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज दी बेस्ट डिपार्टमेंट है मेरे हिसाब से। 10 साल की MES के अंदर नौकरी होने के बाद में मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ आपको बता रहा हूं, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट है, इसकी जो नौकरी है वो दूसरी नौकरियों से कुछ हद तक अलग है। क्योंकि दूसरी नौकरियों के अंदर आपको वहां पे सरकारी नौकरी मिलती है, आपको फैसिलिटी मिलती है, लेकिन MES के अंदर आपको नौकरी, फैसिलिटी, सैलरी के अलावा आपको एक अच्छी लाइफ भी मिलती है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज है, इस डिपार्टमेंट को कई सारी चीज़ें ऐसी है जो कि दूसरे डिपार्टमेंट से अलग बनाती है। फॉर एग्जांपल, नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे बहुत ही शानदार ड्यूटी का आपके लिए मतलब क्या है कि ड्यूटी करने का तरीका रहता है, कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रहता, जितना आप कर सकते हो फ्री माइंड से उतना आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ का इन्वायरमेंट भारतीय सेना के अंदर यानी कि आर्मी कैंट के अंदर, एयरफोर्स कैंट के अंदर ही आपको वहाँ पे रहने के लिए अच्छी खासी फैसिलिटीज जाती है, अच्छा खासा वहां पे आपको एनवायरनमेंट मिलता है। उसके बाद में भारतीय सेना को जिस हिसाब से फैसिलिटीज मिलती है, कुछ हद तक आपको भी वहां पर उस हिसाब की फैसिलिटीज मिल जाती है। तो ये सब कुछ चीजें ऐसी है जो कि MES को दूसरे डिपार्टमेंट से अलग बनाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले 4-5 चीजें, काफी सारे बच्चे इन चीजों के बारे में सवाल पूछते रहते हैं कि सर आप सब MES में सर्विस करते हो तो कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी आती है, सर इसके अंदर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है क्या, सर मेरी एज ये है तो इस कैटेगरी के लिए कितनी एज लिमिट होती है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है सर, कितनी छुट्टी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में बच्चे अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। तो उन्हीं में से कुछ कॉमन सवाल है जिनको मैंने लिया, तो इन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। IT वाले बच्चों के लिए ये डिपार्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे वीडियोज़ की आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। अगर आपने IT इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कर रखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हर संडे को आपके लिए बिल्कुल फ्री में एक टेस्ट होता है। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्सेज वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, तो उनके जरिए आप अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है एलिजिबल ट्रेड, कौन कौन सी ट्रेड के अंदर आपने IT कर रखी है तो इसकी वैकेंसी आएगी, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। उसके बारे में बात करें तो 8 से लेकर 10 ट्रेड ऐसी है जिनके लिए MES के अंदर भर्ती आती है। मैं नाम उनका बताऊं तो अगर आपने IT इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर कर रखी है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो, इस नौकरी से आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। IT अगर आपने फिटर ट्रेड के अंदर कर रखी है तब भी आपके लिए यहां पे वैकेंसी आती है। IT अगर आपने वायरमैन ट्रेड के अंदर कर रखी है तब भी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है। IT अगर आपने MMV यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर कर रखी है तो भी यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी आती है। IT अगर आपने RAC ट्रेड के अंदर कर रखी है, रेफ्रिजरेशन AC एयर कंडीशनिंग के अंदर कर रखी है, तो भी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है। IT अगर आपने कारपेंटर ट्रेड के अंदर कर रखी है तब भी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है। IT अगर आपने पेंटर ट्रेड के अंदर कर रखी है तब भी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है। IT अगर आपने केन मैन एक ट्रेड होती है उसके अंदर कर रखी है, यानी कि कुर्सियाँ वगैरह है, चारपाई वगैरह होती है ना, उनको बनाने वाली एक ट्रेड होती है, तो उनके लिए अब यहाँ पे वैकेंसी आती है। IT अगर आपने मेसन ट्रेड के अंदर कर रखी है तब भी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है। तो ये टोटल वो ट्रेड है जिनके अंदर वैकेंसी MES के अंदर वैकेंसी आती है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है IT इलेक्ट्रिशियन और फिटर के लिए वैकेंसी आती है, बाकी डिमांड के हिसाब से कुछ पदों के लिए, बाकी जो मैंने आपको ट्रेड बता रखी है उनके लिए भी MES के अंदर वैकेंसी आती है। उसके बाद में काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर एक्सपीरियंस चाहिए क्या, सर अप्रेंटिसशिप चाहिए क्या, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो इनमें से किसी ट्रेड में अगर आपने IT कर रखी है, कोई भी एक्सपीरियंस या फिर आपके पास में अप्रेंटिसशिप नहीं, बिल्कुल फ्रेशर्स हो, तब भी आज की आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप इस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं मांगा जाता है, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी रहती है, टोटल वैकेंसी। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में बच्चे पूछते रहते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज अपन एज लिमिट के बारे में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। EWS के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, अधिकतम आयु 27 वर्ष रहती है। उसके बाद देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में एक सिविल नौकरी है, तो यहाँ
पे एससी एसटी ओबीसी को अधिकतम आयु के अंदर नियमानुसार छूट मिलती है। एससी और एसटी को अधिकतम आयु के अंदर 5 साल की छूट मिल जाती है, ओबीसी को अधिकतम आयु के अंदर 3 साल की छूट मिल जाती है। यानी कि ओबीसी वाले बच्चे 30 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं, एससी और एसटी वाले बच्चे वो 32 वर्ष तक के इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें सैलरी और फैसिलिटीज के बारे में, तो सैलरी और अलाउंसेज फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो सैलरी है अलाउंसेज है जितने इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही इस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी एक तो देखिए जॉब बहुत शानदार रहती है, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है, आप घंटे 8 घंटे के बाद में आपको कोई नहीं बोलता भी आपको ये काम करना है। उसके बाद में सप्ताह के अंदर आपको 1 दिन की छुट्टी मिल जाती है। ये चीज़ें रहने के लिए अच्छा खासा आपको इन्वायरमेंट मिलता है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि एक अच्छी लाइफ के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। काम का कोई भी यहाँ पे बर्डन नहीं रहता है ना। उसके बाद सैलरी के बारे में आपको बताऊँ तो आईटी वाले बच्चों के लिए 27-28 हज़ार रुपये स्टार्टिंग के अंदर मंथली आपकी सैलरी बन जाती है पहले महीने से ही। अलाउंसेज के बारे में आपको बताऊँ, सैलरी के अलावा तो देखिए यहाँ पे आपको एक वॉशिंग अलाउंस मिल जाता है, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिल जाता है, महंगाई भत्ता आपको यहाँ पे मिल जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको यहाँ पे मिल जाता है, और मेडिकल वगैरह का आपको क्लेम भी कुछ हद तक यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारे अलाउंसेज आपको सैलरी के अलावा मिल जाते हैं। उसके बाद में फैसिलिटीज के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन फैसिलिटीज के अंदर जो सबसे शानदार और बेस्ट मुझे लगी है, 10 साल का मैंने एमईएस के अंदर नौकरी हो गई, सबसे अच्छी चीज़ जो सैलरी के अलावा यहाँ पे है वो है आपका स्मार्ट कार्ड, है ना। स्मार्ट कार्ड यानी कि कैंटीन कार्ड की जो फैसिलिटीज होती है, जिस हिसाब से भारतीय सेना को फौज को जो कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, ठीक उसी हिसाब की कैंटीन कार्ड की फैसिलिटीज आपको मिलती है, जहाँ पे सस्ते दाम पे आपको अच्छे प्रोडक्ट कैंटीन के अंदर मिल जाते हैं, कैंट के अंदर ही आपको सारा सामान अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप कैंट के अंदर रहते हो तो वहाँ पे सिनेमा हॉल वगैरह भी आपके लिए फ्री रहती है, एमईएस वालों का वहाँ पे कोई भी टिकट नहीं लगती, तो सिनेमा हॉल है वो भी आपको मनोरंजन के लिए फ्री है। वहीं पे अगर आप कैंट के अंदर क्वार्टर लेके रहते हो तो आपको क्वार्टर के अंदर जो भी फर्नीचर वगैरह चाहिए, टेबल है, कुर्सी है, चारपाई वगैरह, बेड वगैरह, वो सारे के सारे एमईएस डिपार्टमेंट के अंदर में होते हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई, सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, अलाउंसेज अच्छे खासी मिलती है, और उसके बाद फैसिलिटीज भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आपने आईटी इनमें से किसी भी ट्रेड में कर रखे हैं तो एमईएस की भर्ती पर आपको नज़र जरूर रखनी चाहिए। आईटी अगर आपने फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कर रखी है तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है 2022 के अंदर वैकेंसी आने की, तो आप अपनी तैयारी वो अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट बार जो आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आई थी 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, उसके बाद में कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 में इसकी वैकेंसी जरूर आएगी, तो आप अपनी तैयारी वो अभी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, दिमाग में कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, एक अलग से उन सब चीज़ों पर मैं वीडियो बना दूंगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, समय समय पे काफी सारी अपडेट वहां पे शेयर करता रहता हूं। आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब यानी कि लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।